अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नवीद आमिर सेठ। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ये मैं हाजी महबूब जट साहब के पास आया हूँ। ये चार गाय आपको मैं दिखाऊंगा, ये फॉर सेल हैं। राबता नंबर भी मैं देता हूँ, अपना नंबर भी दे देता हूँ और हाजी साहब का भी दे देता हूँ। ये देखिए, ये दूसरे ब्याज में है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इसकी ब्लड लाइन बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इसका हवाना देखिए माशाल्लाह, 15-16 लीटर अभी हाज़र दूध है। बच्चा इसका मर गया था। जिस जो उसको चाहिए वो राबता करे। ये देखिए माशाल्लाह, वेल की कितनी लंबी है, सेहतमंद है माशाल्लाह। ताज़ा जब थी दूध माशाल्लाह उसको तो बहुत ज़्यादा था। ये मुट्ठी मुट्ठी थान हो जाते हैं। अभी दोपहर 3 बजे हैं, अभी चवाई में अभी 1.5 घंटा पड़ा है। दूसरे नंबर कि मैं ये भी हाजी साहब की अपनी ब्रीड, उनकी अपनी ब्रीड है। ये भी तोकड़ है। और इसका बच्चा है इसके पीछे, इसके ये अभी दूध 11 लीटर हाज़र दूध है। इसका मैं आपको बच्चा भी दिखा देता हूँ। ये भी हज साहब की अपनी ब्रीड है, अपने घर की इनकी। ये माशाल्लाह बहुत लंबी वेल की है। ये देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ। चलो बेटा, ये इसका बच्चा भी मैं दिखा रहा हूँ। ये इसका बच्चा है। ये तीसरे नंबर की मैं आपको दिखा रहा हूँ हाजी साहब की। ये तीसरे नंबर की है। ये भी तोकड़ है। इसके 6-7 लीटर दूध हाज़र इस टाइम। ये भी दूसरे सूबे में है माशाल्लाह, बहुत सेहतमंद है। थान इसके भी माशाल्लाह बहुत भैंसों की तरह थान है माशाल्लाह। ये चौथे नंबर की मैं आपको गाय दिखा रहा हूँ। हाज़र दूध इसके नीचे 11-12 लीटर है। ये भी दूसरे सूबे में है। ये भी माशाल्लाह बहुत मज़बूत है माशाल्लाह जिस्म में। ये देखें थानमो माशाल्लाह बहुत, और दूध बड़ा इसका, भैंसों की तरह दूध है इसका। इसके नीचे बच्ची है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। वो भी माशाल्लाह अपनी माँ की तरह बड़ी सेहतमंद है, बहुत खूबसूरत है वो भी माशाल्लाह। ये मैं आपको हवाना दिखा रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, भैंसों की तरह माशाल्लाह इसका हवाना है। ये हाजी साहब के चारों जानवर माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है माशाल्लाह, और दूध की एवरेज भी बहुत अच्छी है। मैं ये चौथे नंबर वाली की आपको मैं बच्ची दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये बच्ची है। 2 गाय बगैर बच्चे के हैं, 2 के नीचे बच्चे हैं।
वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।